पानी है ना, थोड़ा थोड़ा पानी। Ready and ready to serve. Hey guys, welcome back to this amazing tour of reviving our traditional classics. This time we are heading to my village, Kerala, God's own country. Let's check out the local food here and then I will try it out myself. So finally, Kerala ke safar mein, we have reached our spot. Kerala ke local food to mere ghar pe jo meri aunty log banate hai. I couldn't have asked for anything else. Aaj sabere ka breakfast hi pakad lo. It was like yum, एकदम soul fill कर दिया। So let's just get started. बहुत कुछ cover करना है। इधर त्रिवेंद्रम पे ना कन्नूर का वक्षना के same आनो, इंदा ने व्यत्यास है इंदा ना difference है। वक्षना का same देने पर चंगे समसा इंगना समसाई के नदे और dialogue। Is that कि केरला में अलग अलग जगह पे खाना same होता है, but उनका जो नाम है, pronunciation है, सारा अलग अलग है। My auntie has already started on it. बहुत सारे बढ़िया एक dishes बनने वाले आप लोग को दिखाने के लिए। Trivandrum language idiyappam, Kannur language noolputtu, kattayitte loose aagurathu, da adile kudi veedanalla. So it has to be firm enough ki press kare to isme se nikle ekdam dhaage iske. Khaya to hai isko bante hue pehli baar dekh raha hu. So coconut dala ja raha hai because that is a good addition to it. Chale mere mein tangi angane idulla. Wow, here it is. Utna precisely dough ko banaya gaya hai iska. उसके नीचे कोकोनट है, उसके ऊपर कोकोनट है। इधर इतना समय हम बैठकों और धारा लम। अरे अरे 10 मिनट अगला अंदर लच्छा बहेगा वो। So इडली के स्टीमर में पक रहा है, and अगर वाटर बॉईल होता रहेगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। So now we can consider like 15 minutes एकदम तेज गैस पे है। इधर दे ताया एन्ना इधर डे आवश्यक ही ले ले। स्टिका उले ले। आवी ले ले। ओहो। हेल्दी फूड है बिकॉज फ्राइड नहीं है, ऑयल का यूज़ नहीं है, स्टीम्ड है एंड जो वेजिटेबल्स यूज है स्टीम में, सो इट्स अ पावर पैक फूड। सो हियर इज आवर फर्स्ट सेट ऑफ नूलू पुट्टस। ആർക്കും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം। സോ ഹിയർ ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഡാഡ് സ്പോക്ക് അബൌട്ട്। മെർക്കു കഹീ ജാനെ കി സറത് നീ മേരെ ദോ ആന്റി ലോഗ് ഹൈ ടൈഡ് വെക്കണോ। സോ ഹിയർ ദേ ആർ। കലമകൈന്റെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കഴിക്കാണ്? തേങ്ങച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ മാപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കും, മസാല കറി വെക്കും, പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കും। സോ ഷീ ഈസ് ദ എക്സ്പെർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ്ഡ് കലമകൈസ്। തോ ഉന്നി സേ ഇൻസ്പയർ ഹോക്കെ കൽ ബനാ റഹാ ഹു മൈ। ലെറ്റ്സ് സീ കൈസേ ജാതാ ഹൈ। ഇൻകെ പേര് കലമകൈ മാപ്പാസ്। ണെങ്കിൽ നമ്മളപ്പ ഉപ്പിടാം। അഭി ജെ ബോയിൽ സോൾട്ട് ഡാല ജാ രാ। करी लीफ हो गया, अभी आएगा वो फ्रेश कोकोनट मिल्क। हमारा भी एकदम फिनिशिंग थिंग जीरा पाउडर। रेडी। ओके। ओके। तो कप्पा वड़ा की तैयारी हो रही है। जब भी मैं अबू धाबी में था तो वहाँ जब भी कप्पा बनता था तो सारे गांव वाले दे वेर लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन देयर बिकॉज बहुत फेवरेट है उनका कप्पा। जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जो कप्पा सादा बॉईल करके उसको फिश करी के साथ, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन हियर। बट कप्पा के चिप्स बनते हैं तो अभी कप्पा का वड़ा बन रहा है यहाँ। इतना डिपेंड है इधर। नेक्स्ट ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर। हेलो, करी लीफ, जिंजर एंड जिंजर एंड फिनिशिंग ऑफ विद सम सॉल्ट। मिक्स इट वेल। क्वाइट इंटरेस्टिंग कप्पा वड़ा, मैंने अभी तक कभी खाया नहीं है एंड बारिश का टाइम है तो बहुत बढ़िया लगेगा कप्पा वड़ा अलॉन्ग विद टी। ఏదా మల్చిని వడావు?
मरचीनी वड़ा सो एक्चुअली कुछ बाइंडिंग एजेंट यूज नहीं किया है सो जो कप्पा इट्स अ ट्यूबरस रूट सो उसका जो नेचुरली वो बाइंड करेगा ओह सुपर आज अच्छा क्रिस्पी हुआ है मसालेदार एकदम करी लीफ सॉल्ट स्पाइस बहुत बढ़िया लग रहा नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर आई एम आस्किंग हर टू डू दैट प्रेजेंट इज सुपर एंड है बड़ा नेक्स्ट टाइम वो अन्ना ली दिंडा की धारण है आई कैन और पार्टी जस्ट अभी बना था एंड इट्स ऑल खलास साथ में जैकफ्रूट का एक बहुत ही बढ़िया डेजर्ट बनने वाला है आई हैव टू गेट अ होल्ड ऑन देम दोनों फुल पावर एकदम लगे हुए है डिश बना रहे सो आई कैनॉट मिस एनी ऑफ इट सारा कवर करना है दिस इज फॉर द जैकफ्रूट डेजर्ट जैकफ्रूट का बहुत अलग अलग यूज है फ्राई करके चिप्स बनता है उसका सब्जी बनता है होल ऑफ द जैकफ्रूट एक्सेप्ट द स्किन आउटर स्किन सारा यूज किया जाता है जैकफ्रूट का जो डेजर्ट बन रहा है उसके लिए कोकोनट में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीसा जा रहा है टू ब्रिंग आउट द कोकोनट मिल्क जो फ्रेश कोकोनट मिल्क है दिस थिंग दैट यू सी हियर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोकोनट मिल्क ആവശ്യത്തിന് മധുരം നോക്കിയിട്ട് എന്നു വെച്ചാല് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പൾപ്പിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ആക്കുന്നല്ല ഓഹോ പ്രശ്നാട്ടിനെ ബനായ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് जो जैकफ्रूट है उसको सीडलेस करके राइप वाला जैकफ्रूट है उसको अच्छे से पीस के उसको जैगरी के साथ गरम किया गया है गुड़ के साथ गरम किया गया है एंड उसको फिनिशिंग घी से किया है सो दैट द मेन रीज़न फॉर दैट इज फ्लेवर एज वेल एज स्टोरेज ज़्यादा स्टोर होगा वो ज़्यादा रहेगा ओहो ओहो ओके द पल्प इटसेल्फ इज यम अच्छे से स्प्लैटर कर रहा है ऑलरेडी ये तो यहाँ का जो बेसिक ओरिजिनल रेसिपी है वो बन रहा है उसमें तो एडिशंस आजकल बहुत सारा हो रहा है सो ऑल वी ट्राई टू डू इज शो यू द ऑथेंटिक रेसिपीज जो ओरिजिनल बनता है गाँव में As Prasnanti said, this is the most important item. The finishing touch, it will give a finishing edge to it. It is the coconuts. Fry करके जब इसमें डालेंगे सो वॉट कोकोनट डस इज आप जब उसे घी में जरा सा जब भूनते हो तो अपना एक ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है वो अपना एक फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करता है जो इवेंचुअली वो जो हमारे जैकफ्रूट का डेजर्ट है उसमें आएगा ज़बरदस्त स्मेल आया है जैसे ही डाला है एकदम सुपर आई जस्ट टेस्ट आई कांट रेसिस्ट स्पून नहीं मिल रहा इधर टेस्ट आई कांट इट इज रेड हॉट बट जो स्मेल आ रहा है घी कोकोनट जैकफ्रूट कोकोनट मिल्क इट्स यम इट्स हेवन प्रसन्न आंटी सुपर एंड सुपर अड्डियोली I just loved it. It's heavenly. It's heavenly. From the bottom of my heart, I just loved it. I'm going for another spoon. Oh, adha kaanchal endha rasariyo. It's yum.
सो बारिश तो रुक नहीं रहा है। So let me just introduce to you. Karan. The Randy Sangrathi Vakshana can okay it. I have tried to make it.